नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, हमारे जो इंडियन पॉलिटी के टॉप 10 की जो सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम जो लेक्चर कंप्लीट कराते हैं उससे संबंधित जो क्विज है वो आपके सामने लेकर आते हैं। तो इस बार जो पार्ट है इसका, क्विज का, जो 6वें नंबर का है, मतलब इसके पहले अभी तक जो हो गया है 5, इसके जो है क्विज जो टॉप 10 है, MCQs भी डिटेल के साथ हम देते हैं, तो वो 5 जो लेक्चर है वो पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको इस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, और या फिर जो वीडियो एंड होता है उसके लास्ट में आपको वहां प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो सिटीजनशिप है यानी कि नागरिकता है, और उसके अलावा जैसे देखें तो राइट टू इक्वलिटी यानी कि जो समानता का अधिकार है, उससे संबंधित जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो यहाँ जैसे बात की जा रही है फर्स्ट पार्ट की, मतलब पहला भाग जो है, पहला भाग के अंतर्गत हमने क्या देखे थे, यूटी मतलब यूनियन की जो है टेरिटरी होती है, या फिर जो उसके सारी टेरिटरी हम बोल सकते हैं, स्टेट हो गया, केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी हो गया, या फिर जो बाहर से अधिग्रहित किए जाते हैं, ये सारी चीजें मतलब यूनियन है, और उसके जो संघ से संबंधित जो भी टेरिटरी थी वो सारी चीजें कहां पर सम्मिलित की गई है, भाग एक में। अब भाग दो में क्या है, भाग दो में है नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जहां की आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक वहां उनका वर्णन किया गया है। अब भाग तीन में है, भाग तीन में क्या है, मौलिक अधिकारों से संबंधित चर्चा की गई। तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा, भाग तीन। भाग चार क्या है, भाग चार है डीपीएसपी संबंधित, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं नीति निदेशक सिद्धांत, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत होते हैं वो भाग चार में यहाँ दिए गए हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, भाग थ्री यानी कि सी नंबर का। तो यहाँ जैसे मौलिक अधिकार के दिन देखिए 35 तक इनको जो है वर्णन किया गया है भाग तीन के अंतर्गत, और ये जो मौलिक अधिकार का सिद्धांत लिया गया है तो ये लिया गया कहां से, अमेरिका के संविधान से। और संविधान जो है भाग तीन को जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी यहाँ दी गई है, जो कि बहुत उचित भी है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के बगैर जो हमारा संविधान है उसका कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकता की चर्चा की गई? जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखे हैं, भाग एक में क्या है, यूनियन टेरिटरी मतलब जो भारत के जो है राज्य क्षेत्र है उनसे संबंधित यहाँ वर्णन किया गया है, आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक, और भाग दो में है नागरिकता। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, नागरिकता। तो यहाँ जो है इसका जो भाग दो में कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक इनका जो है वर्णन किया गया नागरिकता का। और आप इसमें जो है इस प्रकार का वर्णन नहीं किया गया, कैसे, ना तो इनके अधिग्रहण एवं ना ही नागरिकता की यहाँ हानि की चर्चा की गई है, मतलब इनको जो है अधिग्रहित भी नहीं किया जा सकता, ना ही इनकी इनको हानि पहुंचाई जा सकती है। उसके अलावा जैसे देखें तो यह संसद को इस बात का अधिकार भी देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था के लिए कानून भी बना सकता है, और साथ ही इसी प्रकार के जो संसद है, इस संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को भी लागू किया है, जिसमें देखें हम तो 1957 में पहली बार संशोधन हुआ था, और लास्ट टाइम कब संशोधन हुआ है, 2015 में इसमें आखिरी टाइम संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। तो ये पूछा जा रहा है, ये किस आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान किया गया है? तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 9। तो यदि हम देखें तो आर्टिकल नंबर 10 और 11 क्या बोलता है, तो आर्टिकल नंबर 10 बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे तो वो इस प्रकार से जो है समझा जाएगा, मतलब यहाँ जो है पार्लियामेंट को यहाँ पावर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति को वो भारत का नागरिक है मतलब मान सकती है या फिर समझा जा सकता है उसे। तो ये इस प्रकार का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 10 में दिया गया है। और जो आर्टिकल नंबर 11 है उसकी बात करें तो संसद को एक और अधिकार प्राप्त है, जैसे कि वो है नागरिकता को, किसी को नागरिकता प्रदान कर सकती है या उसकी नागरिकता को छीन भी सकती है। इससे संबंधित जो सारे प्रावधान है वो जो है इससे संबंधित विधि यहाँ बना सकती है, कौन, पार्लियामेंट या संसद, जो है आर्टिकल नंबर 11 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ देखते हैं, हम स्टेटमेंट दिए हैं हमको तीन स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट क्या है, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है,
आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी जो है मतलब जिसके द्वारा हनन किया गया है उसके खिलाफ चुनौती दे सकते हो, उसे राज्य हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो उसको आप चुनौती दे सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो सिंपल सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इनकी सुरक्षा की गारंटी दी गई है। तो पहली स्टेटमेंट हो गई हमारी राइट। नेक्स्ट बात की जा रही है, इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकता को यहां समाहित किया गया है। तो स्टेटमेंट भी हमारी राइट है। फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है देखते हैं संक्षेप में, इनके जो प्रावधान है मतलब मौलिक अधिकार के जो प्रावधान है उनका क्या उद्देश्य है, व्यक्तियों की सरकार बनाना ना कि कानून की। ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहां पे हम पहले से देखते आ रहे हैं जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था उस समय क्या था, किसी एक राजा का मतलब गवर्नर जनरल का शासन रहता था और पूरी जो जनता रहती थी उससे प्रताड़ित रहती थी, मतलब किसी की नहीं चलती थी। अगर उनके अधिकारों का हनन भी होता था तो कोई बोलने वाला नहीं होता था, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का शासन होता था। तो इसका उद्देश्य ये नहीं था, इसका उद्देश्य क्या था, कानून की यहाँ जो है कानून की सरकार बनाना ना कि व्यक्तियों की। क्योंकि कानून क्या होता है, ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो होता है हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है उसे। तो यहाँ क्या होगा, स्टेटमेंट गलत, क्योंकि यहाँ कानून की सरकार बनाना ना कि व्यक्तियों की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2। तो यहाँ हम देखते हैं बी नंबर का हमारा आंसर होगा। जैसे देखें तो जो है मूल अधिकार का नाम मूल इसलिए है क्योंकि इन्हें संविधान के द्वारा सुरक्षा की गारंटी प्रदान की गई है, और यह जो है कानून का मूल सिद्धांत है। यह मूल इसलिए भी है क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं उनके चहुमुखी विकास यानी कि जो भौतिक होती है, भौतिकता होती है, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं किसी व्यक्ति के लिए, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार बोला गया है। नेक्स्ट बात की जा रही है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्वेश्चन की मतलब पहला स्टेटमेंट यदि हम देखें तो समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक वर्णित किया गया है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी राइट क्योंकि ये सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल नंबर 19 से 22 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत, क्यों? क्योंकि शोषण का जो अधिकार मतलब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 23 से 24 तक इनका वर्णन किया गया है। और जो नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि जो राइट टू फ्रीडम होती है उसमें आर्टिकल नंबर 23 से 24 तो हो गया हमारा क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो होगा 19 से 22, तो ये हो गया हमारी स्टेटमेंट, ये भी गलत हो गई। उसके बाद देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4 और 1 मतलब 1 और 4। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ओनली 1 और 4 जो सी नंबर का आंसर है वो होगा। तो यहाँ जैसे देखें तो शुरुआत में हमारे पास में कितने अधिकार थे, 7 थे। तो उसमें से यदि देखें हम तो 4 तो हमने ये देख लिए। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है 29 से 30 तक ये वर्णन किया गया है, और पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार भी था जो कि आर्टिकल नंबर 31 में इसका वर्णन किया गया था। तो ये तो अभी नहीं है। उसके बाद एक और देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां दिया गया, आर्टिकल नंबर 32 में। और जो आर्टिकल नंबर 31 था संपत्ति का अधिकार वो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसको यहां से हटा दिया गया है। और जो भाग 12 है मतलब आर्टिकल नंबर जो 300 का ए, इसके तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब वर्तमान में अभी हमारे पास में टोटल कितने अधिकार है, 6 मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो मूल अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहां जैसे देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है और जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए। तो जैसे यहां देखें हम तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे, जैसे कुछ की बात करें तो समानता का अधिकार यदि हम देखें तो समानता का अधिकार क्या है, या तो नागरिक भारतीय ले लो या फिर विदेशी जो हमारे यहाँ आते हैं उन सभी के लिए समानता का अधिकार या विधि के समक्ष समानता या न्याय का अधिकार सारी चीजों के लिए समान है सभी नागरिकों के लिए। तो ये जो बोल रहा है कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए है और कुछ है सभी अन्य व्यक्तियों के लिए। तो कुछ नागरिकों के लिए कैसे, मतलब कुछ जो है सिर्फ हमारे जो भारतीय नागरिक है उनके लिए है। तो जैसे धार्मिक स्वतंत्रता की यदि बात करें तो 25 से 28 जो आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। क्यों, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो अपनी संस्कृति और जो अपना धर्म है उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ ये बिल्कुल सही है ये कथन। फिर देखते हैं यह जो है यह असीमित है और राज्य इन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये असीमित नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार हमारे यहाँ है, क्योंकि इन पर जो राज्य है जैसे इमरजेंसी की जो स्थिति होती है उस समय जो राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। ओनली आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर सभी जो हमारे मूल अधिकार है उनको जो है उनका
अपना मतलब एक तरीके से क्या हो जाता है, उनको रोक लगा दी जाती है उन अधिकारों पर। सिर्फ किसको छोड़ दिया जाता है? आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को। तो स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, यह नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं। ये सिर्फ नकारात्मक विशेषता वाले नहीं होते, ये सकारात्मक विशेषता वाले भी होते हैं। अब एक जैसे देखते हैं, तो यदि हम देखें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हिसाब से, मतलब कोई सिटीजन की यदि दृष्टि देखें, तो उसकी दृष्टि से ये बहुत सकारात्मक होंगे, क्योंकि ये व्यक्तियों की रक्षा, मतलब व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, या फिर व्यक्तियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। अब यदि राज्य की बात करें, तो राज्य के लिए बिल्कुल नकारात्मक साबित होंगे, क्योंकि राज्य के लिए, राज्य अगर कुछ व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करता है, तो व्यक्तियों के द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनको चुनौती दी जा सकती है, जिसके द्वारा हनन किया जा रहा है, तो उस स्थिति में ये नकारात्मक होंगे। और अगर सिटीजन की बात करें, तो सिटीजन की स्थिति में सकारात्मक होंगे। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट हो गई गलत, 2 और 3। तो ओनली क्या है, फर्स्ट राइट है, तो सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं, राज्य को परिभाषित करने संबंधी जो प्रावधान है, किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन कहां किया गया है? आर्टिकल नंबर 12 में। मतलब इसमें राज्य की पूरी परिभाषा दी गई है, जिसके द्वारा अधिकारों का हनन किया जाएगा, मतलब जिसके विरुद्ध जो है किसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब जिसके अधिकारों का हनन किया गया है, उस व्यक्ति के द्वारा किसके विरुद्ध मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए, तो उसका वर्णन सभी, मतलब जो भी है वर्णन किया गया है, वो कहां पे किया गया है? आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत। और आर्टिकल नंबर 13 में क्या है? विधि शब्द का उल्लेख, मतलब विधि शब्द को यहां डिस्क्राइब किया गया है, कहां पे? आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 14 में क्या किया गया है? ये समानता, मतलब विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कहां पे किया गया है? आर्टिकल नंबर 14 में। और 16 में क्या किया गया है? लोक नियोजन से संबंधित, लोक नियोजन से संबंधित, यानी कि कोई व्यक्ति सिविल सर्विस की जो है तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर जॉब पाने का वो इच्छुक है, तो यहाँ जाति भेदभाव यहाँ जो है सभी व्यक्तियों के लिए समान रहेंगे, किसी के लिए जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 16 के अंतर्गत किया गया है। जैसे देखें यहाँ पे, तो कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद है, और राज्य सरकार के जो ये जो सभी है ये राज्य के अंतर्गत आएंगे। राज्य सरकार के विधायी अंग की यदि बात करें, तो अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, ये सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। सभी स्थानीय निकाय ये राज्य के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि नगर पालिका होगा, चाहे पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, ये आदि सभी क्या होंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा यदि देखें, तो वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण, जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। मतलब इन सभी के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाता है, तो उसके द्वारा जो है इनको चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा, यानी कि भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम बोलते हैं वो नहीं करेगा। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है, किस आर्टिकल के तहत इसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल नंबर जो है 15, इसके तहत इसका वर्णन किया गया है। जैसे कि यहां देखें, तो केवल शब्द की बात की जा रही है, मतलब ये मूल जो होंगे, प्रथम या फर्स्ट प्रायोरिटी में इनको नहीं शामिल किया जाएगा, सेकेंडरी की बात की जा रही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या हो गया, जैसे कि आर्मी की बात ले लेते हैं, तो आर्मी में जैसे कि यहाँ बोल सकते हैं हम जेंडर में, जैसे कि महिला है कोई और आर्मी में उसकी भर्ती हो रही है, तो आर्मी के हिसाब से उसका जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर या फिर उसकी जो क्षमता है, वो सही साबित नहीं होगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो जो होगी उसका सक्षम होना, और दूसरी प्रायोरिटी क्या हो गई, उसका फीमेल होना, यानी कि मतलब वो लेडीज होना। तो ये जो है सेकेंडरी मैटर में इनका प्रयोग किया जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में दूसरी कुछ और विशेषता होनी चाहिए, जिससे कि उनको मतलब भेदभाव किया जा सके। तो इनके आधार पर ही बस भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये सेकेंडरी तौर पर प्रयोग किए जाएंगे। तो ये जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 15 के अंतर्गत किया गया। अब आर्टिकल नंबर 17 में क्या किया गया है? अस्पृश्यता का जो रोग है, मतलब जो अनटचेबिलिटी होती है, उससे संबंधित प्रावधान कहां पर वर्णन किया गया है? आर्टिकल नंबर 17 में किया गया है। अब आर्टिकल नंबर 18 में क्या किया गया है? जो उपाधि होती है, उपाधि का मतलब जैसे अंग्रेजों के समय की यदि बात करें, तो राय बहादुर, राज बहादुर, या फिर जो भी उपाधि मिल जाती, सर की उपाधि मिल गई है, दीवान की, या बहुत सारी जो उपाधि दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, उन सभी उपाधियों का अंत की यहां चर्चा की गई है। कहां पे? आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत। नहीं, मतलब यहां बोला जा रहा है किसी के नाम के सामने या तो उपसर्ग, मतलब उपसर्ग के तौर पर आप उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकते, ना तो आप प्रत्यय के तौर पर, मतलब आगे भी आप उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकते और बाद में भी। जैसे हम देखें, तो किसी को भारत रत्न मिला है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। अब सचिन तेंदुलकर के द्वारा बार बार बोला जाता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, तो इस प्रकार की उपाधि का प्रयोग करने के दौरान उसे अपनी उपाधि का जो है, मतलब जो अपना भारत रत्न है या जो सम्मान है अपना, उसका त्याग करना पड़ेगा।
अगर वो इस प्रकार के मतलब इस प्रकार की हरकत की जा रही है तो उसको जो है त्याग करना पड़ेगा। तो उपाधियों का अंत कहाँ डिस्क्राइब किया गया है? आर्टिकल नंबर 18 में। और आर्टिकल नंबर 19 क्या बोलता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब ये समानता के अंतर्गत नहीं, ये जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे आएंगे, नेक्स्ट अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, उससे संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो यहां जैसे देखें हम, तो दो समिति दी गई है, बीपी मंडल और रामनंदर। तो बीपी मंडल की यदि बात करें तो द्वितीय जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जो है उसकी जांच के लिए, उसके गठन के लिए बीपी मंडल का गठन किया गया था। और रामनंदन समिति जो है वो क्रीमी लेयर की पहचान है, मतलब ओबीसी जिसे हम बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, उसमें जो है क्रीमी लेयर है उसकी पहचान के लिए रामनंदन समिति का यहाँ गठन किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? रामनंदन समिति, मतलब बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसने जो है अपनी रिपोर्ट 1993 में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, किसने? रामनंदन समिति ने, क्रीमी लेयर की पहचान के लिए। नेक्स्ट बात की जा रही है आर्टिकल नंबर 18 से संबंधित। तो आर्टिकल नंबर 18 हमने देखे हैं उपाधियों का अंत, तो ये इससे संबंधित कौन कौन से कथन यहाँ सही हैं? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? राज्य सेना या विधि, मतलब जो विद्या होती है, अब जो हमारी शिक्षा होती है एजुकेशन, उससे संबंधित जो भी सम्मान है, जैसे कि पीएचडी किसी ने करा तो डॉक्टर लगा दिया जाता है सामने, तो इससे संबंधित जो कोई भी उपाधि होगी है उसे प्रदान नहीं करेगा, मतलब उसके सिवाय। तो वो मतलब बोला जा रहा है एजुकेशन या सेना इससे संबंधित, जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर ऐसा हम बोलते हैं, तो या फिर पीएचडी के अंतर्गत डॉक्टर बोलते हैं, तो इन दोनों के अतिरिक्त कोई भी उपाधि उसको प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी राइट है। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट भी राइट है। फिर देखते हैं कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य या कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार कर ली जाएगी, तो स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति की सहमति के इस प्रकार की कोई हरकत नहीं की जा सकती। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1 एंड 2। तो यहां हमारा बिन जो होगा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों करें है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिना कमेंट किए आपको डिसलाइक नहीं करना, मतलब बिना कारण बताए आपको डिसलाइक नहीं करना है। और यदि वीडियो पसंद आया था तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर दिया करो, ताकि क्या हो सबका फायदा होते चले। और पहली बार यदि वीडियो देख रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बार बार आपको चैनल ढूंढने की आवश्यकता ना हो। और सब्सक्राइब बटन के साइड में आपको इस प्रकार का एक आइकॉन दिखता होगा जिसे हम बेल आइकॉन बोलते हैं, तो उसे क्लिक करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।